हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं बिजनेस बे। तो जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। और किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि भाई तुम वीडियोस तो बना रहे हो और ये यूट्यूब बहुत टाइम लेता है और तुम मतलब नहीं जा पाओगे आगे और कोई फ़ायदा नहीं इसका। अब मैं उस दोस्त का नाम तो नहीं लूँगा मगर इतना कहूँगा कि आप हो या कोई और हो या जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने कभी इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया था। वो मुझे कह रहा था कि फ़ायदा नहीं है, तुम इतना टाइम निकाल के वीडियोस बनाते हो, एडिटिंग करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। और कहा YouTube के लिए हिम्मत चाहिए और आपको इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि कैमरा में देख के आप बात कर सकें। तो लो भाई, मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ। जितने मिनट कहोगे, जितने घंटे कहोगे, मैं उतने घंटे उतने मिनट कैमरा में देख के बात करूँगा। और वो इतना क्लोज तो मेरा दोस्त है नहीं, पर फिर भी मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। पर यह भी मुझे एक क्लास मिल गई उसकी तरफ से। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अल्लाह उसको खुश रखे। क्योंकि देखें ना, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें दो तीन लोग या ज़्यादा, दो तीन तो आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ आपको तंज के सिवा कुछ नहीं दे सकते। तो जितने मेरे सपोर्टर्स हैं ना, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, या मेरे व्यूज़ अगर 100 आते हैं तो उसमें कोई मेरा एक सपोर्टर सच्चा है ना, तो वो एक सपोर्टर आगे जाके मुझे 1000 सपोर्टर लेके देगा। तो खैर, अल्लाह उसको खुश रखे। आज जिस बात पर और जिस जगह पर व्लॉग स्टार्ट किया है तो वो जगह भी आपको बता दें। मैं आया हुआ था यहाँ काम से, इस इलाके का नाम है बिजनेस बे। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि भाई बुर्ज खलीफा के पास वीडियो बनाओ, दुबई मॉल में बनाओ। तो इंशाल्लाह उसके भी जल्द व्लॉग आएंगे और दो पार्ट्स आएंगे, एक दुबई मॉल का, एक बुर्ज खलीफा का। तो लेकिन ये है कि अभी यहाँ से बुर्ज खलीफा बिल्कुल करीब है और नज़र आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ व्यू सारा। ये सामने बुर्ज खलीफा है, ये देख लें आप। और ये जो बिल्डिंग है, ये डेमेक टावर है, ये इमार टावर। और ये जो इलाका है वो है बिजनेस बे। बहुत ही प्यारा व्यू। शायद वीडियो में आपको व्यू इतना नहीं दे रहा हो मज़ा, मगर बहुत 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 प्यारा व्यू है सामने। ये सारा व्यू है बिजनेस बे का, सामने बुर्ज खलीफा है। और ये लो भाई, पोर्चे के जो लवर हैं तो ये जा रही है पोर्चे। और इतनी धूप है, इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों ने और हमने सिर्फ सुनी थी दुबई की गर्मी, पर आज देख भी ली है तो कुछ भी नहीं है, जून जुलाई अगस्त में इससे भी ज़्यादा होगी और लोग खड़े नहीं हो सकेंगे, बहुत गर्मी है। और मैं खुद बस के इंतज़ार में खड़ा हुआ हूँ, जैसे ही बस आएगी तो हम जाएंगे मेट्रो की तरफ। मेट्रो की तरफ जाके फिर हम जाएंगे मॉल ऑफ द एमिरेट्स जहाँ हम रहते हैं। तो अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बस आए, और जैसे ही आएगी फिर हम चले जाएंगे और वहाँ भी आपको व्लॉग दिखाएंगे, मेट्रो का भी व्लॉग दिखाएंगे, बस का भी दिखाएंगे। अभी तो धूप में खड़े हुए हैं। ये आप व्यू का थोड़ा मज़ा लीजिए, सामने बुर्ज खलीफा, डेमेक टावर, इमार टावर, ये बिजनेस बे का व्यू। बहुत ही शानदार प्यारा व्यू। और जिस जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। और जो जो मेरे सपोर्टर्स हैं, व्यूवर्स हैं, और जो दिल से मेरा वीडियो देखते हैं, और जिनको मेरा वीडियो बड़ी बात के पसंद आता है, तो मैं दिल से उन्हें कहूँगा उनका शुक्रिया। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, आगे मेरे चैनल को ले जाएं, शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करें। एक तो ये बस गई है, अब हमारी आएगी इस साइड से। तो चलें, जब बस आएगी और हम जाएंगे मेट्रो तक तो फिर मिलते हैं व्लॉग में। वैसे भी अभी बहुत धूप है तो मैं भी यहाँ कहीं आसपास गार्डन में ही बैठ जाऊँगा। जैसे ही बस आएगी तो हम जाएंगे
मेट्रो तक, फिर वहाँ भी आपको व्लॉग दिखाएंगे। जैसे ही मॉल ऑफ द एमिरेट्स में हम पहुँचेंगे वहाँ भी आपको व्लॉग दिखाएंगे। भाई बस तो नहीं आई दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं खुद ही पैदल मेट्रो की तरफ। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर है दूर, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। बस का कोई टाइम नहीं पता था, इस वजह से किसी से पूछ लिया कि मेट्रो की साइट कहाँ है। अभी 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं, कोई मसला नहीं है। ये भी यादगार लम्हा हो जाएगा कि भाई दुबई की सड़कों पे चलें। और यहाँ पे तो भीड़ भाड़ है, ये इतनी बड़ी टावर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, 4 किलोमीटर का पता ही नहीं चलेगा कब मेट्रो आ जाएगा। यही 4 किलोमीटर हम पाकिस्तान में चलते तो आके फिर हमें मालिश की ज़रूरत पड़ती, लेकिन क्या है, कोई मसला नहीं है, इस उम्र में चल लेंगे 4 किलोमीटर। चलें तो जब हम मेट्रो पहुंचे जैसे ही, फिर आपको व्यू दिखाएंगे मेट्रो से भी बाहर का, और जैसे ही मॉल ऑफ द एमिरेट्स पहुंचे वो भी। ये इस तरह कुछ व्यू है यहाँ का। मसला और कोई नहीं यार, मसला ये है कि चल तो हम लेंगे लेकिन बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। ये जो हमारे भाई कहते हैं पाकिस्तान में गर्मी होती है, ख़ास करके जो भाई मुल्तान से हैं, पंजाब से, भाई मुल्तान को 3 गुना और ज़्यादा गर्मी दो, इतनी गर्मी है यहाँ तो अब अंदाज़ा लगाओ कितनी गर्मी है। और ये तो स्टार्टिंग है, अभी जून जुलाई में और अगस्त में ज़्यादा होगी इससे भी। चलो मिलते हैं बाद में। हाँ भाई साहब, तो हम फाइनली मेट्रो की तरफ पहुँच गए, लेकिन यकीन माने कि मैंने अपनी पूरी 19 साल की उम्र में इतना पैदल सफ़र नहीं किया। वैसे जहाँ का वो वीडियो हमने पहले जहाँ खड़े थे बस के लिए, वो बिजनेस बे नहीं था, सॉरी वो था डाउनटाउन दुबई बिजनेस बे। ये बिजनेस बे है। अब हम जाएंगे मेट्रो में जहाँ हम रहते हैं, मॉल ऑफ द एमिरेट्स। पूरी ज़िंदगी में अपना मैंने पूरा इतना बड़ा सफ़र पैदल नहीं किया, तो चलें जाते हैं मेट्रो की तरफ और फिर उसके बाद मॉल ऑफ द एमिरेट्स जाएंगे। अंदर आए हैं तो थोड़ा सुकून मिला, मेट्रो में सारे में एसी लगी हुई है, धूप में गर्मी में इतना सफ़र करके मर गए यकीन। चलें तो मिलते हैं बाद में, कार्ड एक्सेस करना है यहाँ पे। ये क्या बात करते हैं, तो मेट्रो में मिलते हैं और मॉल ऑफ द एमिरेट्स में। हाँ तो दोस्तों आ गए हैं हम मेट्रो, ये ट्रेन भी आ गई, तो चलें अब मिलते हैं मॉल ऑफ द एमिरेट्स में। और वो जो पहले वाला वीडियो था हमारा बंद हो गया था, अगर ये हम एडिट कर सके उसमें ही ऐड कर देंगे, वरना ये दूसरा पार्ट बना लेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हम मेट्रो से उतरे हैं, पहुँच गए मॉल ऑफ द एमिरेट्स। अब जाके कुछ आराम करेंगे अपने घर। ये कुछ बाहर का व्यू है, ये देखें। आज बहुत 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 पैदल सफर किया, 2 किलोमीटर और चले ना तो गिर भी सकते हैं। ये कुछ बाहर का व्यू है मॉल ऑफ द एमिरेट्स से बाहर। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी डाउनटाउन में, तो अगर वो वीडियो इसमें ऐड हो गई तो ठीक है, पहले वाली, वरना हम ये दूसरा पार्ट लगा देंगे और पहले वाली वीडियो बहुत। अभी पहुंच गए बाहर का व्यू है, बहुत 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 ही प्यारा व्यू। जितना आज थक गए हैं या जितना आज हमने सफ़र किया है ना पैदल, बता नहीं सकते। पहले तो 1 किलोमीटर हम चले गए गलत, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर जाना था, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ये एक गर्मी ऊपर से धूप, और रात नींद भी सही नहीं की थी, उठ तो गए थे टाइम से पर
हमें क्या पता कि बस नहीं है कि उसका टाइमिंग पता नहीं था हमें, और इतना सफ़र करना पड़ेगा पैदल। चलें अब तो आ गए हैं कैरियर से, अब कोई मसला नहीं है ऐसा। अब मॉल ऑफ द एमिरेट्स में एंट्रेंस होगी, जाएं घर भाई, इतनी धूप है तो कुछ आराम कर लें। आराम नहीं किया पर फिर भी जाएंगे तो कम से कम बैठ तो सकते हैं ना सुकून से। ये पहुंच गए हम मॉल ऑफ द एमिरेट्स में, शुक्र है अल्लाह का, वरना आज तो ऐसा लग रहा था कि शायद पैदल ही सफ़र करना पड़े हमें। चलें तो मिलते हैं आपसे बाद में जब हम नीचे पहुंच जाएंगे मॉल ऑफ द एमिरेट्स में। D6 से हमें बाहर निकलना है। आज बहुत थक गए हैं तो अच्छा हुआ कि हमने डाउनटाउन में भी व्लॉग बना दिया, इससे जो पहले का वीडियो है वो है डाउनटाउन में जिसके करीब से बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है, और जो ये वीडियो हमने बनाया है वो बनाया है बिज़नेस पे। अभी तो हम पहुंच गए हैं मॉल ऑफ द एमिरेट्स, अभी जाएंगे रूम पे, बहुत थके हुए हैं, और अच्छा हुआ कि वहाँ भी छोटा सा व्लॉग बना दिया आपके लिए, और ये बिज़नेस पे में भी ये वाला वीडियो बना दिया, वरना शाम को आना पड़ता या कहीं जाना पड़ता व्लॉग के लिए, जा नहीं सकते थके हुए हैं। अच्छा हुआ कि दोनों वीडियो बना लिए, अगर ये वीडियो उसमें ऐड हो सकेगी तो मैं ऐड कर दूंगा, वरना ये पार्ट टू होगा वो पार्ट वन, क्योंकि पहले वाली वीडियो वो थी। मॉल ऑफ द एमिरेट्स, ये सामने नाइक की ब्रांड है जिसमें हमारा व्लॉग भी बना हुआ है पहले से ही। बस अब तो सफ़र ख़त्म ही हो गया, यहाँ भी हमने व्लॉग बनाया था कल। अभी मॉल से बाहर निकले हैं, तो चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। जिन जिन्होंने प्यार दिया है, सब्सक्राइब किया है, पसीना देख सकते हैं आप, बहुत गर्मी थी, 7-8 किलोमीटर मैंने पैदल सफ़र किया है, बिल्कुल जान निकल गई है, और अब जा रहे हैं रूम पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अच्छा हुआ आज दो वीडियो ये बन गए, और जो जो सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, दिल से उनका शुक्रिया। सब खुश रहें, आबाद रहें, और ऐसे ही प्यार देते रहें, मेरे चैनल को आगे शेयर करते रहें। ये मैं वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स और देखने वालों के लिए बनाता हूँ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मेरे चैनल को, और जो जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे। D6 से अभी निकले हैं, तो ये पार्किंग है यहाँ की, ये देख सकते हैं ये D6 की पार्किंग है मॉल ऑफ द एमिरेट्स। तो अब हम मिलेंगे कल किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, अभी तो जाने लगे हैं। ये देखें भाई निसान GT-R जो इसके लवर्स हैं, अभी हम जाएंगे रूम पे और आपसे मिलेंगे कल किसी नए कंटेंट में, नए वीडियो में। तो अब तक के लिए खुदा पे बहुत ही अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।